व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसआर व्लॉग्स। होप यू ऑल आर फाइन। व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो शेयर करूंगी वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आप स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मेरा बेटा मेरे लिए, मेरा छोटा बेटा मेरे लिए चाय बना रहा है, और जो वो चाय बना रहा है इसके पीछे एक क्यूट सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए वो वीडियो मेरे लिए स्पेशल है। एक्चुअली व्यूअर्स, आप सबको, आप सब ये जानते ही हैं कि नॉर्थ इंडिया में विंटर्स कितनी खतरनाक होती है। तो विंटर्स में हमारा जो डेली रूटीन है वो भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में 11 ही बज जाते हैं, मुझे लगता है ब्रेकफास्ट करते हुए हमें 11-12 बज जाते हैं। उसके बाद अगर ब्रेकफास्ट आप लेट करते हो तो नेचुरली आपका लंच भी लेट होगा, तो आई थिंक लंच जो है वो 3 o'clock के बाद होता है। देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस हाउस चोर्स आई गेट, मुझे लगता है मैं 4 o'clock से पहले फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो फिर तो मुझे ऐसे लगता है कि बस अभी मुझे रेस्ट करना है। आई गेट सो टायर्ड एंड बस मैं जल्दी से रजाई के अंदर घुस जाती हूँ। लेकिन व्यूअर्स, रजाई के अंदर घुसना तो बहुत इजी टास्क है, बट गेटिंग आउट फ्रॉम द रजाई इज रियली अ बिग टास्क। और उसके लिए मुझे एक्चुअली उसके लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए कि कैसे मैं रजाई से निकलूं, तो उसके लिए मुझे चाय की जरूरत पड़ती है। लेकिन बैड थिंग इज दैट कि चाय भी मुझे खुद ही बनानी होती है, तो अब रजाई से तो निकल नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बारी कई बारी मुझे रजाई से बाहर निकलने के लिए सम टाइम आई यूज टू मटर कि काश कोई मेरे लिए चाय बना देता यार, कैसे मैं ठंड में कैसे निकलूं मैं बाहर, लाइक दिस। हाँ, तो मे बी माई यंगर सन माइट हैव हर्ड मी मटरिंग लाइक दिस। तो वन डे ही वॉज आस्किंग मी, मम्मा मुझे चाय बनाना सीखना है। तो आई जस्ट इग्नोर्ड हिम, आई थॉट कि ही जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड एक्चुअली, तो वो क्या चाय बनाएगा। बट ही फोर्स्ड मी टू टीच हिम मेकिंग, हाउ टू मेक टी। देन मैंने उसको रेसिपी बताई चाय की, एंड नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड, सडनली ही केम इनटू माय रूम एंड ही मींस ही केम विद द ट्रे ऑन हिज हैंड एंड ही सर्व द टी टू मी। और आई गॉट शॉक्ड कि वो मेरे लिए चाय लाया है, मेरे बच्चे ने मेरे लिए चाय बनाई है। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये मुझे बहुत प्यारा और बहुत क्यूट एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, देन लेट्स सी द वीडियो। हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक स्वीट टी। तो गाइस, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा नाम है अद्विक राणा। सो लेट्स स्टार्ट। चलो गाइस, तो सबसे पहले आपको फ्रेम ऑन कर देना है, और आपको अभी लो में रखना है, लो में। और गाइस, सबसे पहले आपको पानी डाल देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको पत्ती डाल देनी है। गाइस, तो ये रही पत्ती, गाइस हमें डाल देते हैं। स्पून गाइस, मैं आ गया स्पून लेके, और अब आपको स्पून से पत्ती डाल देनी है। मैं 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं 3/4 लूँगा स्पून से टी। गाइस, मैंने डाल दिया है। गाइस, वरना मैंने मिक्स होने देना है 3 मिनट्स के लिए। ठीक है गाइस, 3 मिनट्स हो चुके हैं, और आप चाहते हो तो बीच में जब ये बॉयल हो रहा होगा तो आप जो सिम को हाई में भी कर सकते हो, ये आप में डिपेंड करता है। तो 3 मिनट्स तो हो चुके हैं, तो मैं इसमें आप दूध डाल देता हूँ। गाइस, मैंने दूध डाल दिया है। अब हमें
एक बार इसमें बॉईल आने देना है, उसके बाद हमें डालना है जैगरी। तो गाइस आपको ऐसी जैगरी डालनी है, ऐसी जो पहले से पिसी हुई है। तो गाइस पहले हम इसमें बॉईल आने देते हैं। गाइस इसमें बॉईल आ चुका है, हम सिम में कर देंगे। और गाइस सिम में करने के बाद आपको इसमें जैगरी डाल देनी है और हमें मिक्स कर देना अच्छे से। मेरे से थोड़ी सी लीक हो चुकी है, पर कुछ नहीं होता, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम जब मिक्स कर देंगे अच्छे से, अभी लो में फ्लेम कर दी मैंने फिर से, इसके बाद आप तुलसी डाल सकते हैं। पर आप प्रोसेस के पहले भी डाल सकते हैं, जब क्या बोलते हैं, जब हम बॉईल ही कर रहे थे पानी और टी को, तब भी आप डाल सकते हैं। पर आपको डालनी है, आप 5 से लेकर 10 तक आप कितनी भी तुलसियाँ डाल सकते हैं, मैंने इतनी डाली है। और अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, वरना मैंने डाल दी है ये। मिक्स कर देते हैं, गाइस रही है। गाइस अभी मैं फिर से एक बॉईल आना है, फिर हम इस गैस को बंद कर देंगे और फिर आप देखेंगे। गाइस बॉईल आना शुरू हो चुका है, हम फिर से सिम में कर देंगे। हो चुकी है सिम में, अब हम गैस को बंद कर देंगे। गाइस ये मैंने गैस बंद कर दी है, तो अब हम सर्व करके दिखाएंगे। गाइस तो आपको ऐसे हनी डाल देना है यहाँ पे, बन में हनी डालने के बाद आपको चाय सर्व कर देनी है। तो पहले ये लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। बाद में आपको ऐसे लेके हेलो ऐसे यहाँ पे डाल दी, और अब यहाँ पे दूसरी के लिए इसे यहाँ पे लगा दीजिए गाइस। और गाइस ये बहुत अच्छी बनी है, आप भी ट्राई करना। तो ये हो चुकी है इतनी, यहाँ पे भी हम फिर से डाल देते हैं गाइस, थोड़ी सी कम है यहाँ पे, फिर से डाल देते हैं गाइस हम। यहाँ पे भी थोड़ी सी डाल देते हैं गाइस। तो आप घर बैठे बैठे इतनी अच्छी चाय बना सकते हैं गाइस, और बहुत मतलब ये सभी के घर में इतने इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, तो आप अच्छे से बनाइए। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू अगेन। गाइस टू ट्राई दिस, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।